अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरे सब खैरियत से होंगे। और आज हो गया है पांचवा दिन, नहीं छठा दिन है शायद। और आज है वलीमे का दिन। आज हमारा फंक्शन है यहाँ पे, रिसोर्ट में ही होगा फंक्शन। तो आज थोड़ी सी बारिश हुई है अभी सुबह के टाइम में, और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। तो देखते हैं आज शाम के फंक्शन बारिश वगैरह ना हो, बस ये दुआ है। चलिए नाश्ता वगैरह करते हैं। यहाँ पर चल रहा है नाश्ता, और इस तरफ चल रहा है फूलों की तैयारी। शायद स्टेज वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पे पूरा स्टेज बनेगा, इधर ये सब। बारिश का टेंशन मौसम के साथ साथ। क्या खाया लुकमा नाश्ते में? सबको हो रही टेंशन कि मौसम भी खराब हो गया है यहाँ पे। ये देखिए कितनी हवा चल रही है, ये हवा। आज अपना फंक्शन है यहाँ पे, और इतने हवा वगैरह चल रही है यहाँ पे। लोग डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। स्टेज पे लगाना है ना, स्टेज के लिए। अबू सुनो ना, कैसे होगा पता नहीं आज बारिश का। अल्लाह सब रुका दो आज का दिन। लोग कर ही रहे, लोग नहीं रुक रहे कुछ भी। बारिश है तो रुक जाओ। उन लोग को जो बोला तो करेंगे ना। उन लोग थर्ड फ्लोर से सीन है ये यहाँ का रिसोर्ट का। और नदी, नदी में पानी लग रहा और ज्यादा आ गया। मम्मी अप्पू अपने रूम में गए क्या? पता नहीं, चलते देखते। चलो चलो, नदी पे खड़ा। नदी से आ रहा है पानी, बारिश का। बारिश का है, पूरे खेत है ना यहाँ पे आम के। रिसोर्ट के आसपास में पूरा हरियाली है, और इतना अच्छा लग रहा है बारिश हो रही है, तो इसलिए हम निकले से घूमने के लिए। सब बारिश का पानी आ रहा है यहाँ से। कोई बोलेगा ये गर्मी का मौसम है, और इसमें इतना खूबसूरत सा मौसम है जैसे बारिश। चारों तरफ हरियाली और पानी, रिसोर्ट का। और पीछे साइड पूरी हरियाली, खेत बने हुए, ये सब झाड़ है नींबू के, आम के। रिसोर्ट तो बहुत अच्छा है, सज गया है। अब यहाँ पे खाने की वीडियो दिखाएंगे, खाने की वीडियो लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बन गया। वलीमे का खाने की तैयारी हुई यहाँ पे, सब कुछ सब सामान आ गया है। और यहाँ पे सब एक सजावट, और इस तरफ चल रहा है पीछे साइड रिसोर्ट के खाना बन रहा है। बहुत सारा बना, नहीं पता नहीं क्या क्या बन रहा है। बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं। ये चिकन का क्या बनेगा? ये चिकन का उसी का शाही रोल बनेगा। शाही रोल, यहाँ कुछ तो बन रहा है, देखते क्या बन रहा है। क्या बन रहा है ये? चिकन शाही, शाही रोल है। फोल्ड करते रहा। अंडा क्रम्स लगाते ना इसमें, किसी क्रम्स लगाते? नहीं, अभी फिलहाल क्रम्स लग रहे हैं, फिर इसके ऊपर मैं अंडा जाएगा। अच्छा, हो गए फ्राई। ये क्या है, रोटी? तंदूरी रोटी। ये सब ये तो फिश है क्या? मैरिनेट होने रखा हुआ है। स्टार्टर है कि ग्रेवी? स्टार्टर। और ये तंदूरी रोली में, ये क्या है? ऊपर समोसे का समोसे का कीमा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो ना, बना रही है। यहाँ भी अपना हुनर ट्राई। किचन आ गए,
और आखिर में हमने भी ये ट्राई किया था चिकन शाही रोल बनाने का, जिस तरह से औरतें यहाँ पे बना रही थी हमने भी ट्राई किया और माशाल्लाह हमसे भी बन गया था। आएंगे और देखेंगे कि बैक साइड में क्या बने। और ये हमारे जुबेर भैया, ये आए हैदराबाद से, बहुत लंबा ट्रैवल करके आए। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा जल्दी आते तो और अच्छा लगता, बहुत लेट हो गया आपको आने। कल ही आए आप? एक दिन पर, शादी के दिन ही पहुँचे मतलब। अभी यहाँ पे हो गई थी शाम और किस तरह से रिसोर्ट को सजाया था हम आपको अब दिखाएंगे आगे। पे जो जेंट्स की तरफ का जो था हिस्सा वो अब आपको हमारे हस्बैंड दिखाएंगे, क्योंकि हम जेंट्स पे तो नहीं गए शूट करने के लिए, सारा जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने ही किया था, वो आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ पर स्टेज फुल फ्लैज में, ऑन वन यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा है भाई? क्या बात है, तैयार हो गया बाप। दूल्हे राजा रेडी, ब्लैक कैसल के लग रहे दूल्हे राजा यार, कैसल ब्लैक या ऐसे कुछ एरिया के लग रहे। अरे हमारे मुज्जू मियाँ आया है, क्या शर्मा रहा है देखो छोकरा। सारी अफरा तफरी मच गई, बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया। पतेले में कोई खाना नहीं खाना बोल रहे, पूरा सेटअप यहाँ से उठा के अब ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर टेरिस पे ले जा रहे हैं। नमस्कार, झूला भी बेचारा देखो परेशान, छतरी लेके बैठा है, सब परेशान हो गए भाई। कैमरामैन की छतरी सबसे बड़ी, पूरा सेटअप उठा रहे ना, पूरा ये सब उठा रहे तो ऊपर ही आएगा। सब जुगाड़ करना पड़ रहा है, बारिश इतनी है। झूला भी इधर आ गया, अपनी जगह से उठ के यहाँ बिठा दिए झूले को। और यहाँ देखिए जो सारा सेटअप था वो पूरा चेंज करना पड़ा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग जो ग्राउंड में सब जेंट्स लोग थे वो सब ऊपर शिफ्ट हो गए थे टेरेस के ऊपर, यहाँ जो ऊपर का एक टेरेस के ऊपर जेंट्स का शिफ्ट कर दिए थे और जो दूसरा टेरेस था वहाँ पे लेडीज़ का शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बारिश ने बहुत परेशान कर दी थी सबको मेहमानों को। तो ये दूसरा जो टेरेस था वहाँ पे हम लोग लेडीज़ का इंतज़ाम कर दिए थे, यहाँ पे हम लोग थे। और बारिश ने सारा जो वलीमे का सिस्टम था सब ख़राब कर दी, जितना डेकोरेशन था जितने अच्छे से सब सजाए थे सब ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। तो मेहमानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, कोई कोई तो बारिश में ही खाए, लड़के लोग सब छत पकड़ के प्लास्टिक पकड़ के लोगों को खाना खिलाए थे।
और जब बारिश बहुत तेज़ होने लगी तो सारा सिस्टम जो था वो सारा सेटअप था सबको ऊपर शिफ्ट करना पड़ा दोनों तरफ पे। तो इस तरह से बहुत मैस हो गया, बहुत प्रॉब्लम हुई बारिश में, लोग फिसल रहे सीढ़ियों पे से उतरते वक्त, बहुत मतलब है। तो बिन मौसम बारिश ने सारा जो वलीमे का मज़ा था सब ख़राब कर दिया, पूरा जितना सेटअप था जितना अच्छे सजाए थे सब बर्बाद हो गया। बहुत तकलीफ हुई मेहमानों को आने के लिए, सभी को बहुत मुश्किल हुई बारिश की वजह से, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतरना वेटर्स को लाने जाने बहुत मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पे चल रहा था जो लड़के और दुल्हन वाले होते हैं उन्हें एक दूसरे जो गिफ्ट देते हैं ना लास्ट में, वो चल रहा था कपड़े वगैरह देने का। चले फ्रेंड्स, बहुत लंबा बन जाएगा ब्लॉग, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सब कुछ अच्छा रहा जब से हम मुंबई से नागपुर आए थे, सारा शादी का जो फंक्शन था माशाल्लाह सब अच्छा लगा, सब में हमने सब में इंजॉय किया। बस जो वलीमा था उसमें ही सबके मूड ख़राब हो गए थे क्योंकि बहुत बारिश हुई, बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया था, इस वजह सबके मूड ख़राब हो गए थे। इसलिए हमने कोई ज़्यादा उसके आगे कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, बस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आता तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली से हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।